हमारे बहुत सारे भक्त हमारे पास कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी पितृ दोष दूर करने का कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा पितृ दोष हमेशा के लिए शांत हो जाए। इससे पहले भी मैं पितृ दोष की मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय आपको बताता रहता हूँ और कोशिश तो यही रहती है कि आपने जो भी हमसे प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर हम आपको जल्द से जल्द दे सकें। मैं पिछले काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ पितृ दोष से जुड़े हुए या पितृ शांति से जुड़े हुए बहुत प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने समय निकाल कर बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि आपके लिए कोई ऐसा उपाय लेकर आऊं जिसको करने से आपको अपने पितृ दोष से हमेशा के लिए मुक्ति मिले। पितृ दोष एक ऐसा अभिशाप होता है जिसकी वजह से हमारे घर की तरक्की रुक जाती है या हमारे घर की जो खुशियां होती हैं उन पर ब्रेक लग जाती है। पितृ दोष होने की स्थिति में हमारा हर काम बिगड़ता हुआ चला जाता है। जो मेहनत हम करते हैं मेहनत करने का भी कोई फल हमें नहीं मिलता। जब तक हमारे घर में पितृ दोष रहता है हम जितना भी कोशिश कर लें हमारे घर की खुशियां कहीं ना कहीं हमसे दूर रहती हैं। प्यारे दर्शकों, पितृ दोष को सबसे जल्दी दूर करने का जो उपाय मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये आपको जरूर करना चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में बन रहा हर प्रकार का पितृ दोष तुरंत प्रभाव से दूर होगा और आगे आने वाले भविष्य में भी आपको पितृ दोष की पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे भक्तों ने कमेंट करके पूछा था कि गुरुजी पितृ दोष क्या होता है और ये क्यों बनता है। हमारे ऐसे पूर्वज हमारे बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं जब वो हमसे किसी प्रकार से रुष्ट हो जाते हैं तब हमारे घर में पितृ दोष बनता है। पितृ दोष जब हमारा कोई ऐसा बुजुर्ग चाहे वो हमारा दादा परदादा या हमारा कोई भी ऐसा घर का सदस्य जिसकी मृत्यु के बाद ऊर्ध्व दैहिक क्रिया अर्थात जिसके निमित्त पिंडदान और श्राद्ध इत्यादि नहीं किया गया है तब वे प्रेत योनि में चले जाते हैं या भटकते रहते हैं जिसके कारण भी हमारे घर पर पितृ दोष बनना शुरू हो जाता है और यही पितृ दोष आगे चल करके इतना भयंकर रूप धारण कर लेता है जिससे हमारी जीवन में हमारी गृहस्थी में हमारे परिवार में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं और कई बार तो जब पितृ दोष हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे घर में दुर्घटना बीमारी इन सब का भी संकट बढ़ने लगता है। लेकिन पितृ दोष से घबराने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कई लोग हमारे पास बहुत डरे हुए फोन करते हैं कि गुरुजी हम बहुत डर गए हमारे घर में पितृ दोष बन रहा है हमें ऐसा लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है और ना जाने कितने ही अजीब अजीब तरह के प्रश्न वो हमसे करते हैं। हम आप सभी भक्तों को एक सलाह देना चाहते हैं कि अगर कोई भी दोष बन रहा है चाहे वो ग्रहों का दोष है चाहे वो पितरों का दोष है तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है
क्योंकि डरने से, घबराने से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। समस्याएं हैं तो समाधान भी है, अगर ग्रह खराब है तो उनके निदान भी है। अगर आपको पितृ दोष की वजह से परेशानियां हो रही हैं तो आप किसी भी अच्छे ब्राह्मण, किसी विद्वान ब्राह्मण से उचित ज्योतिषीय परामर्श लेकर के बन रहे उस पितृ दोष को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। लेकिन घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से आज का यह एपिसोड आपके लिए बना रहा हूं, और आपका भी फर्ज बनता है एपिसोड को आपने पूरा देखना है, ताकि किसी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। गर्मी का महीना चल रहा है, जितना संभव हो सके अपना परिवार का और बच्चों का ख्याल रखें। अगर जरूरी नहीं है तो दोपहर के समय अपने घरों से निकलने में परहेज करें। तो प्यारे बंधुजनों, अब मैं आपको पितृ दोष से मुक्ति पाने का एक ऐसा शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको करने के बाद अगर आपके घर में कितना ही पुराना, कितना ही बड़ा, कितना ही भयंकर पितृ दोष क्यों ना बन रहा हो, इस उपाय को करने के बाद आप हमेशा के लिए अपने पितृ दोष का जो बंधन बना हुआ है उससे मुक्ति पालोगे। प्यारे बंधुजनों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर एपिसोड आपको पसंद आता है तो कृपया करके उसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी जरूर किया करें, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हम जो मेहनत आपके लिए करते हैं वो मेहनत आपको बहुत पसंद आती है। तो चलिए उपाय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्यारे बंधुजनों, यह उपाय आपको लगातार 9 शनिवार करना होगा। शनिवार की शाम को सूर्य के छिपने के बाद आपने काले तिल और काले उड़द, काले तिल और काले उड़द पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ाकर आने हैं। तिल और उड़द चढ़ाते समय उन्हें अपने हाथ में लेकर के आपने बोलना है, ओम पितृ परमेश्वर परमेश्वर आय नमः, ओम पितृ परमेश्वर आय नमः। ऐसा बोलते हुए तिल और उड़द चढ़ा देने हैं। पितृ दोष तुरंत प्रभाव से समाप्त होगा और दोबारा कभी पितृ दोष नहीं बनेगा।